नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं रति आपके साथ। जब भी हम बात करते हैं देश को डेवलप करने की तो सबसे पहली बात आती है बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए। अगर हाईवेज हैं तो वो अच्छे होने चाहिए, अगर स्कूल बनते हैं तो वो भी उस लेवल के होने चाहिए ताकि कभी भी उसमें कोई भी नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसी के लिए कहीं ना कहीं हम लोग अपना कर भी देते हैं, कर मतलब टैक्स। पर क्या ऐसा सच्ची में सामने आता है? अभी भी अगर आप काफ़ी न्यूज़पेपर्स देखेंगे या आए दिन न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो आपको नज़र आता होगा कि कहीं ना कहीं हाईवे गिर गया, स्कूल की बिल्डिंग वो गिर गई, या फिर अगर बात करें कभी कभी बिल्डिंग्स गिरने की बातें भी सामने आती हैं। और यही एक कारण है कि सामने ये चीज़ प्रतीत होती है कि टैक्स का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। आखिरकार मैं आज इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे नीरज जी, जो कि चैम्बर ऑफ ट्रेड फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार सबसे बड़ी बात यही कि जो जनता का कर है उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये ऐसा हुआ कि पिछले दिनों काफ़ी दिनों से हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे। हमारे पास कुछ कंपनीज ने, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमें बताया कि कैसे उनका काम सफ़र कर रहा है। जो गवर्नमेंट का मुख्य विभाग था, स्टोर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जो की कंस्ट्रक्शन मटेरियल को प्रोक्योर करता था, उसको डिसबैंड कर दिया गया है, उसके काम को सस्पेंड कर दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। तो हमने जब इस पर इंक्वायरी करी तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए कि पिछले 3-4 वर्षों में सुनियोजित तरीके से वहाँ पे प्रोक्योरमेंट ही नहीं की जा रही है, उनकी तरफ से टेंडर ही नहीं किए जा रहे। और वो उन्होंने हमें बताया, जी हमें सिर्फ पे के लिए बजट आ रहा है, टेंडरिंग के लिए हमें बजट ही नहीं आ रहा पीछे से, तो हम टेंडर कहाँ से करें। यही एक विभाग था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि सीमेंट, स्टील और बिटुमन मुख्य तौर पे शहर देश के बाकी हिस्सों से लेके बाकायदा उसके क्वालिटी चेक्स करके टेस्टिंग होने के बाद सरकार के जो बाकी मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले, बनाने वाले विभाग थे, उनको इशू करता था। वहाँ पे उनके अपने ट्रक्स भी थे और जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं या जो बाकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं, उन सबको काम भी मिलता था। वो तो चलो प्राइवेट तो हिट हुआ ही हुआ, हमें बड़ी हैरानगी हुई कि जो सरकार के अपने भी ट्रक्स हैं वो भी बड़े वहाँ खड़े जंग खा रहे हैं। तो ये सिर्फ ना ही स्टेट टैक्स चेकर का लॉस हुआ, वहाँ पे मुलाजमों को बैठ के तनख्वाह दी जा रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी यूज़ में नहीं आ रहा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सबको कि यही एक विभाग है जिसके पास अपने पास 2 लाख बैग से भी ऊपर स्टोर करने की कैपेसिटी है, 2-3 रेक से भी ज़्यादा ऊपर यार्ड में बिटुमन रखने की कैपेसिटी थी और स्टील को स्टोर करने की कैपेसिटी थी। लेकिन ऐसे विभाग को, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले वर्षों से आइडल रखा जा रहा है, वहाँ पे मुलाजिमों को बिठा के तनख्वाह दी जा रही है, मुलाजिमों को बिठा के तनख्वाह दी जा रही है। पर आखिरकार ऐसे डिपार्टमेंट जो कि जिस तरह से आपने उनके बारे में व्याख्या दी है, पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती यही है कि क्यों इस तरह से उनको टेंडरिंग नहीं दी जा रही, क्यों उनको इस समय निगलेक्ट किया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखिए ये सरकार में जो कुछ लोग बैठे हैं, मैंने तभी तो कहा कि हमें बहुत हैरानगी हुई कि जब हम वहाँ गए तो हमें जो पता लगा कि पिछले वर्षों से ना ही उनको वो अलाउ किया जा रहा है। तो तभी तो हम सवाल उठा रहे हैं कि माननीय राज्यपाल जी इसमें इंक्वायरी कराएं जल्द से जल्द कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो जम्मू रीजन की इकोनॉमी को ही केवल हिट नहीं कर रही, वो क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। आप सब जानते हैं हम सिस्मिक जोन 5 में हमारी स्टेट आती है, हाईली अर्थ को एक प्रोन एरिया है हमारा। तो ऐसे में सरकार की तरफ से तो प्रयास होने चाहिए थे कि गुणवत्ता को और कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन और जो एक बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, जब हमें पता चला जो अल्टरनेट सरकार की तरफ से हुए, जो और विभाग भी जो प्रक्योर करते थे, कोऑपरेटिव फेडरेशन है, जैकफेड बोलते हैं उसको, हम जब वहाँ भी गए तो हमें पता चला कि वहाँ पे भी जो नेशनल प्लेयर्स ने पिछले 17-18 के भी फाइनेंशियल ईयर से जो माल सप्लाई किया हुआ है उनको भी वहाँ पे पेमेंट नहीं दी जा रही। और आज जैकफेड को भी पिछले पूरे वर्ष से बिठा के ना ही उनको काम करने दिया जा रहा है, ना ही वहाँ पे पेमेंट्स जो है उनको भी नहीं आ रही पीछे से। तो सरकार की तरफ से वहाँ भी कोई प्रयास नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ी हमें लगा कि ये जम्मू की इकोनॉमी को भी हिट किया जा रहा है कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स को काम ना मिले, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को काम ना मिले, हमारे हैंडलिंग एजेंट्स को काम ना मिले, हमारे लेबरर्स को काम ना मिले।
ये तो रहा जो हम व्यापार की बात करते हैं, तो लेकिन जब पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे ही ओवरहेड टैंक गिर गया, स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, तो हमें लगा कि हम अपनी ड्यूटी में फेल करेंगे अगर हमने और इसमें ज़्यादा टाइम लिया। तभी हमने आज ये तथ्य आपके सामने रखे हैं, और भी डिटेल्स हमारे पास हैं, लेकिन चूंकि आज हम माननीय राज्यपाल महोदय जी, चूंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं पिछले दिनों, हम चाहते हैं हम उनके आपके माध्यम से उनकी नज़र में ये चीज़ लाएँ। हम उनको आज चिट्ठी भी लिख रहे हैं, और भी जो इश्यूज हमारे नॉलेज में हैं हम उनके साथ रिकअप कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है उसके बाद में हम डिटेल्ड तथ्य लेके आपके समक्ष पुनः आएंगे। लास्ट 2-3 डेज में काफी तूफान आया जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानी जो है वो सामने आई थी, क्या अगर इसी तरह का जो मटेरियल यूज होता रहा आम जनता जो है काफी परेशानियां फेस नहीं करेगी? बिल्कुल, इसीलिए तो हमने आपको ये आपके माध्यम से आज ये प्राइज कराया है सभी जनता को भी, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी में फेल करेंगे कि अगर सिर्फ हम इकोनॉमी की ही बात करेंगे, हम सिर्फ अपने बिजनेस की ही बात करेंगे, क्योंकि एज ए कंज्यूमर एज ए सिटीजन ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपके सामने ये बात रखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसकी गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा कहीं, इसके ऊपर इंक्वायरी करने की जरूरत है। हम आपके माध्यम से आज ये मांग भी कर रहे हैं कि उसके ऊपर और जिन लोगों ने ये सब किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द उनको नोटिस लेना चाहिए, और जो सरकार के विभाग हैं उनके ऊपर क्वालिटी के ऊपर परचेज हो, इस तरह का संज्ञान हमारी जो आज की मौजूदा गवर्नर रूल में बैठे हुए जो लोग हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो जल्द से जल्द इसका संज्ञान ले, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीरज जी हमारे साथ जुड़े थे और कहीं ना कहीं हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस समय करप्शन लेवल, जो कि गवर्नर साहब खुद कहते हैं कि करप्शन लेवल इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, पर फिर भी यहाँ पे करप्शन के साथ साथ आम जनता का जो कर है उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है वो आप सामने देख ही सकते हैं। यही एक कारण है कि आज भी जनता कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय सर ने भी बताया और ये चीज़ हम भी आपको बता दें कि हमारा जो जम्मू कश्मीर एरिया है वो अर्थ प्रोन एरिया है, जहाँ पे अगर अर्थक्वेक आता है तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और इस तरह के नुकसानदायक जगहों में अगर इस तरह का मटेरियल यूज़ हो तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर दिखा जा सकता है। सोचने वाली बात है कि आखिरकार जब इस समय राष्ट्रपति शासन चल रहा है और गवर्नर साहब जैसे ही आए थे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेके आए थे, तो इस समय कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और सामने आना चाहिए और देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कितना बड़ा जो है इस समय भेदभाव हो रहा है। आप लोग इसी तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अनिल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।